गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम शिखा सिंह, आई एम योर क्लास टीचर। आज हम पढ़ेंगे जो तीन वर्णों वाले शब्द जो आप पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज आज करेंगे। ठीक है ना, तीन वर्णों वाले शब्द सबको अच्छे से आने लगे और सब अपनी बुक में फिंगर रख रख के उसको रीड भी किया करिए। आपके बुक में जो दिए हुए हैं उसको आप रीड करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आइए अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। ये देखो, ये पिक्चर काहे की बनी है, शहद की, लेकिन इसमें दो ही वर्ण है, एक वर्ण मिसिंग है, तो इसको हमको पूरा करना है, शब्द को पूरे करने हैं। ठीक है, श ह द, कौन सा शब्द मिसिंग है? हा, तो यहाँ हम लिख देंगे शहद। अब ये देखो काहे की पिक्चर बनी है, बटन, तो बटन में कौन सा अक्षर नहीं है, ट और न लिखा हुआ है, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, ब, बटन, बटन। ये है मटर, मटर में क्या गायब है इसमें से, मटर में से म, ट और र गायब है, र हमको यहाँ लिखना है, मटर। लिखिए ये कमल, कमल में क्या कम है, क, म और ल, क और ल लिख दिए तो कमल हो गया। चरण, चरण में ल गया, चरण। ठीक है, अब इसको हम चित्र के साथ मिलान करेंगे। तब पिक्चर आप देखिए और यहाँ पे तीन वर्णों वाले शब्द लिखे हैं उसके साथ में हम इसकी मैचिंग करेंगे। अब ये क्या है, हवन, हवन कहाँ लिखा हुआ है, ये तो कलश, कलश है, और ये हवन, हवन है, तो इसके साथ इसको हम मिला देंगे, ये हो गया हवन। अब ये देखो कलश है, कलश ऊपर लिखा हुआ है, मिला दिए हम। ये क्या है, नयन, नयन कहाँ लिखा है, ये तो सड़क, सड़क है, और ये नयन, नयन ये है, इसके साथ हम इसको मिला देंगे। अब ये देखो, ये तो टाटा नमक है, और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा, ये नमक, नमक, ये क्या है, सड़क, सड़क कहाँ लिखी है, ये सड़क, सड़क। ठीक, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। इसको हम अपनी बुक और कॉपी दोनों में करेंगे।